और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं सतनाकेरे गांव, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा नेता तो दिल्ली का देखो, का राहुल बाबा, का नरेंद्र भाई मोदी, कहा राम राम, का टेंट है। विपरीत ध्रुवों पर काम चल रहा है, और इसलिए आदरणीय बंधुओं में ये कहने आया हूं कि चुनाव के बाद जो फोन उठा ले उसी का झंडा उठाना। ये गलती मत कर देना कि हमें गालियां देने वालों को आप वोट दे दो। ये तो सो के जब उठते तो हमें गाली देते ही उठते, राम का नाम नहीं लेते। इन पे अपनी पार्टी नहीं चल रही कमलनाथ जी पर, इन पे सरकार नहीं चली। झूठ बोलकर सल्तनत में आए थे, सरकार में आए थे। जीतते ही 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे किसान का 10 दिन के अंदर, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बाबा ने कहा था। आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, कोई बता सकता है किसके खाते में 2 लाख कमलनाथ जी के 15 महीने में आए? 1.5 लाख आया हो, 1 लाख आया हो, अरे किसी को नोडूज मिला हो, किसी को प्रमाण पत्र मिला हो, 2-2, 4-4 हजार रुपया माफ करके कर्जा माफ का सेहरा बांध लिया। और अब क्या कहते फिर रहे कि हमको मौका ही नहीं मिला। तुम्हारा मौका कौन ने छोड़ा? अपनी पार्टी को आप बचा नहीं पाए और दुनिया की साई लिए घूम रहे हो। कहावत है ना कि अपनी बिगड़ी बना ना सके हम और जमाने भर के घड़ी साज है हम, वो स्थिति कमलनाथ जी की हो रही है। कहा था कि 4 हजार रुपया नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान खड़ा है, 15 महीने सरकार रही, नौजवान के खाते में 60 हजार आना थे। बताओ किस किस के खाते में 60 हजार आ गया? किसी के भी तो आया होगा, 30 हजार आया हो, 15 हजार, 500, 5 रुपए। ये लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी हिंदुस्तान में अगर कोई है तो मित्रों वो कांग्रेस पार्टी है जो लिखित में झूठ बोल, और उसके पास सितम तो ये है कि उसके बाद भी गर्व के साथ आपसे वोट मांगने आते और हमें गालियां सुनाते। विकास की दुहाई दे रहे हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया विकास करोगे कहां से। कैंडिडेट जीत भी जाएगा तो कैसे?